Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 2. Real and complex numbers, exercise 2.2, book page number 43. And the question number 1. अब क्वेश्चन नंबर वन क्या है? क्वेश्चन नंबर वन है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन नंबर वन में आपको ये मुख्तलिफ पार्ट्स गिवन है, ठीक है, और आपने ये बताना है कि इन पार्ट्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। प्रॉपर्टीज जो है रियल नंबर्स की, हमने ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, ठीक है। तो अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने ये बताना है कि इन इस क्वेश्चन के हर पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। नंबर वन इज़ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और दोनों ऐड हो रहे हैं, तो वो इक्वल होंगे अगर हम नंबर्स की प्लेसेस को चेंज करें, ठीक है, तब भी दोनों के आंसर जो है वो इक्वल होंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं इसलिए ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट नंबर टू इज ए बी ब्रैकेट में है और सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू, फिर ए अलग से है और बी सी ब्रैकेट में ए के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो अब इसमें आपके पास दो नहीं बल्कि तीन रियल नंबर्स यूज हो रहे हैं, ए बी और सी। तो कहते हैं अगर इनकी प्लेसेस चेंज करें, ए को अलग कर दें यहाँ पे और बी सी को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों के आंसर जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम होंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होंगे। नेक्स्ट है नंबर थ्री इज सेवन मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू सेवन, के कोई भी रियल नंबर हो हम उसको अगर वन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर दोबारा वन होता है, तो दोबारा सेम वही नंबर आता है। तो वन क्या है कि उस नंबर की क्या होती है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। वन जो है वो हर रियल नंबर की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर दोबारा वही नंबर होगा, इसलिए वन क्या है? यहाँ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। नंबर फोर इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई से बड़ा है या फिर एक्स वाई के इक्वल है, और एक्स इज लेस देन वाई या फिर एक्स वाई से लेस है। अब ये तीनों कंडीशन है कि अगर एक्स जो है वो वाई से बड़ा है या फिर एक्स वाई के इक्वल होगा या फिर एक्स वाई से लेस हो, तो फिर इन तीनों कंडीशंस में हमारे पास जो है वो जब तीनों कंडीशंस हों तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है? इन तीनों प्रॉपर्टीज के, इन तीनों कंडीशंस में हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज है, जो रियल नंबर की नंबर वन प्रॉपर्टी है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, जो कि इन तीनों कंडीशंस में होल्ड करेगी। नेक्स्ट नंबर फाइव इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब यहाँ पे भी दो रियल नंबर्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर उनकी साइड्स चेंज करें तो आंसर दोनों का इक्वल होना चाहिए। जैसे कि पार्ट वन में भी देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था, यानी कि दो रियल नंबर्स प्लस हो रहे हैं, तो अगर हम उनकी साइड्स चेंज करते हैं तो दोनों का आंसर सेम हो, तो वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन इसलिए थी कि इसमें ऐड हो रहे थे, अब इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट नंबर सिक्स इज ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, अगर ए प्लस सी जो है वो इक्वल हो बी प्लस सी के, तो विच इम्प्लाइज डैट कि ए जो है वो बी के इक्वल भी होगा, ठीक है, ए जो है वो बी के इक्वल भी होगा। तो ये प्रॉपर्टीज जो थी, प्रॉपर्टी जो थी वो कौन थी? कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, के हम उसमें से सी को कैंसिल कर सकते हैं दोनों में से, तो वो ए बी के इक्वल आ सकता है। तो ये क्या है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, के यहाँ पे ऐड हो रहे नंबर इसके लिए एडिशन के लिए आपसे थी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देन नंबर सेवन इज फाइव प्लस फाइव में प्लस हो रहा है माइनस फाइव, तो आंसर जीरो होगा, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब फाइव जो है वो क्या है? एक रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर है, और माइनस फाइव नेगेटिव रियल नंबर है। तो फाइव का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? कि एडिटिव इन्वर्स वो होता है कि जिसको किसी नंबर में प्लस करें तो आंसर क्या हो? जीरो हो, ठीक है। तो फाइव जो है का एडिटिव इन्वर्स माइनस फाइव होगा, जो क्योंकि अब हम उसको प्लस करेंगे फाइव में तो आंसर क्या होगा? जीरो। तो ये क्या? एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट नंबर एट इज
सेवन मल्टीप्लाई बाई वन बाई सेवन इज इक्वल टू वन, ठीक है, सेवन को हमने मल्टीप्लाई किया वन बाई सेवन से तो आंसर वन आया। इट्स मीन वन बाई सेवन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है सेवन का, ठीक है। सेवन जो है वो खुद एक नंबर है, उसका इन्वर्स ले तो क्या आएगा वन बाई सेवन, दोनों को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन होगा। इट्स मीन सेवन जो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया है वन बाई सेवन, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट नंबर नाइन इज ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, विच इम्प्लाइज डैट ए सी ग्रेटर देन बी सी, कि ए सी भी अगर हम ए के साथ सी मल्टीप्लाई करें ए सी हो जाए, ठीक है, और बी के साथ भी सी मल्टीप्लाई करें ये बी सी हो गया, तब भी ए सी बड़ा होगा बी सी से, विच इम्प्लाइज डैट सी ग्रेटर देन जीरो, सी जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये कौन से होगी, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी कि हम दोनों नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हम दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारी साइज 2.2 का क्वेश्चन वन हो गया, जिसमें जस्ट हमने उन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना था जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ हुई है। तो ये आपने अपनी नोटबुक पे करना है, क्योंकि मैंने ये आपको लिखवा के समझा के किया है। नेक्स्ट हमारे पास साइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने खुद अपनी बुक पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जब आपकी बुक के पेज नंबर 43 पे जो साइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें देखिए क्या है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड, उसमें डिफरेंट ब्लैंक्स गिवन है, ठीक है, और वो आपने बताना है कि ये जो यहाँ पे रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, ठीक है, हम ब्लैंक्स में आपने लिखना होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये ब्लैंक्स हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस में पढ़ी थी, तो आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी। तो आपने उन प्रॉपर्टीज को इस क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करना है, बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ हुई हैं, वो आपने खुद अपनी बुक पे क्वेश्चन करना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे भी यही है कि जो प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स में यूज हुई है उनका नाम बताना है। तो नंबर 1 जो है वो क्या है, स्केयर रूट ऑफ 24 प्लस 0 इज इक्वल टू 20, स्केयर रूट ऑफ 24 के 24 का स्केयर रूट है, अगर हम उसमें 0 प्लस करेंगे तब ही आंसर जो है वो स्केयर रूट ऑफ 24 ही आएगा। तो 0 क्या है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये 0 जो है वो नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर हम किसी नंबर में 0 प्लस करें तो आंसर दोबारा वही नंबर आता है। इट्स मीन 0 क्या है, नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी है, तो वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी ही यूज हुई है। नेक्स्ट नंबर 2 इज -2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 7/2 से, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जब हम -2/3 को अलग से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2/3 को अलग से 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -2/3 जो है वो इन दोनों नंबर्स के साथ बारी बारी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बारी बारी मल्टीप्लाई हुआ है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन की, ये नंबर जो है वो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नंबर जब इसमें ऐड हो रहे हैं इसलिए ओवर एडिशन है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नंबर 3 इज पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0, कि पाई में प्लस हो रही है माइनस पाई तो क्या होगा 0। अब पाई का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस पाई, मीट्स मीन यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो इसी नंबर में अगर हम उसका नेगेटिव नंबर ऐड करें तो आंसर 0 हो तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। नेक्स्ट नंबर 4 इज स्केयर रूट ऑफ 3 डॉट स्केयर रूट ऑफ 3 इज अ रियल नंबर, ये स्केयर रूट ऑफ 3 है और स्केयर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक रियल नंबर आता है, वाकई रियल नंबर आता है, क्योंकि स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर 3 आएगा। तो क्या होगा, खुला ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कि अगर दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर दोनों रियल नंबर्स हों तो मल्टीप्लाई करने से भी आंसर हमारे पास रियल नंबर ही आया। तो इट्स मीन वो कौन सी प्रॉपर्टी है, खुला ये प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो खुला ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट नंबर 5 इज -5/8 मल्टीप्लाई हो रहा है -8/5 के साथ, तो आंसर क्या होगा 1, ठीक है। अब -5/8 का एडिटिव इनवर्स सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -8/5, यानी इसका रेसिप्रोकल है, हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या है,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो है वो इसमें यूज हुई है कि अगर हम माइनस फाइव बाई एट यानी किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो वन आएगा. तो इट्स मीन जो एक नंबर का रेसिप्रोकल होता है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है. तो ये हमारे एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है. फिर जस्ट 3 क्वेश्चन थे जो हमने आज वाले लेक्चर में किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें से आप लोगों ने खुद करना होगा और प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पहले सारी पढ़ी होगी. अल्लाह हाफिज़.